नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। घाटशिला के मनोहर कॉलोनी के समीप दो हाईवा में भीषण भिड़ंत, 3 लोगों की मौत, 1 घायल। बेराजुड़ी के काशीडी गांव के ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया जोरदार प्रदर्शन, की राशन भुगतान की मांग। घाटशिला मनोहर कॉलोनी के समीप बालू लदे दो हाईवा में टक्कर हो गई। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल है। घाटशिला थाना क्षेत्र के मनोहर कॉलोनी के समीप 4 लेन पर बहरागोड़ा की ओर से आ रही बालू लदे दो हाईवा में टक्कर हो गई। घटना बुधवार की अहले सुबह की है। इस घटना में 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 युवक घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही घाटशिला पुलिस ने घटना स्थल पहुंचकर शव को बाहर निकाला और घायल को हॉस्पिटल भिजवाया। पंचर हो गया था, बस हुआ था तो पंचर मतलब पैर फल रहा था, पैर फलते फलते अंदर में था, ब्रेक लगा रहा था, थोड़ा गाड़ी आके खोल गया। एक ही आदमी घायल है अभी, और 3 आदमी सीरियस हो गया। पीछे वाला गाड़ी था तो उसका वो भी डेथ हो गया, और जो चक्का खोल रहा था 2 आदमी था। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाजुड़ी पंचायत के काशीडी गांव के रहने वाले लगभग 600 लोगों को पिछले 5 माह से राशन नहीं मिला है। लाभुकों ने पीडीएस डीलर जगदीश चंद्र मुर्मू पर राशन आवंटन में धांधली का आरोप लगाया है। इसे लेकर बुधवार को कार्डधारी उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। कार्डधारियों ने बताया कि उन लोगों ने 29 नवंबर को नारका पंचायत मंडप में आयोजित आपकी सरकार आपके शिविर में इसकी शिकायत बीडीओ से की थी। उन्होंने इस पर 15 दिनों के अंदर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। शिकायत के कुछ दिनों बाद पास के ही गोलकाटा गांव के पीडीएस डीलर त्रिलोचन महतो ने ग्रामीणों को उनकी दुकान से राशन ले जाने की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि जगदीश चंद्र मुर्मू का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। अब सभी लाभुकों को उनकी दुकान से टैग कर दिया गया है। जब ग्रामीण राशन लेने पहुंचे तो पता चला कि त्रिलोचन महतो जगदीश चंद्र के लॉगिन आईडी पर ही मात्र 1 माह का राशन वितरित कर रहा है। इससे ग्रामीण नाराज हो गए और विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना था कि जब डीलर को सस्पेंड कर दिया गया है तो फिर उसका आईडी कैसे काम कर रहा है। इधर ग्रामीणों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे झारखंड आंदोलनकारी डेमका सोए ने SOR और MO पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिना विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह का घपला नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम गुरुपद भगत है और हम बेलाजुड़ी पंचायत के कांसीडी गांव से हैं, जिसका यही डीलर का समस्या लेके आए हैं, जो हम लोग को करीबन किसी का 5 महीना, किसी का 6 महीना हो गया है, जो राशन अभी तक नहीं मिल रहा है। तो यही समस्या हम लोग को ले के आए हैं। ये हम ऑलमोस्ट 3 महीना पहले से ही हम लोग ये समस्या लेके आए हैं। इससे पहले में ये हम लोग MO साहब को आवेदन दे चुके हैं, हमारे BDO साहब जो जनता दरबार में गए हैं वहाँ पे भी बात को रखे दिन बोले थे। वो 15 दिन का हम टाइम लिए थे जो डीलर, कि 15 दिन में इसका सोल्यूशन कर देंगे जो भी इसमें घटोला हुआ है, अगर वो हम भरपाई करके। अभी तो डीलर बोलता है कि ऊपर से हमको माले नहीं मिला है और इसमें हम क्या कर पाएंगे। तो जो भी हमारे MO साहब को आवेदन दे चुके थे, जब जनता दरबार में गए BDO साहब को भी इसका आवेदन दिए थे, अभी आए हैं हमारे डायरेक्टली DC साहब से बातचीत के लिए कि इसमें हमारा क्या फैसला मिलेगा नहीं मिलेगा। झारखंड राज्य में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत भारती के द्वारा बुधवार को तुलसी भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में संस्कृत भारती जमशेदपुर के द्वारा 1 दिवसीय महानगर गोष्ठी सह प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय प्रमुख शीश देव पुजारी उपस्थित हुए। वे बीते 7 दिनों से झारखंड प्रवास पर हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान शीश देव पुजारी ने कहा, राज्य के सभी विद्यालय व महाविद्यालय में संस्कृत के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए झारखंड सरकार से मांग करते हैं, ताकि बच्चों में संस्कृत की रुचि बढ़ सके, साथ ही विद्यार्थी संस्कृत में आगे की पढ़ाई कर सके। उन्होंने बताया, ज्ञान परंपरा संस्था के द्वारा पूरे देश में संस्कृत की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। IIT खड़गपुर में यह काम आरंभ हो गया है, लेकिन झारखंड में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने हेमंत सरकार से सहयोग के लिए अपील की। मौके पर संस्कृत भारती के विभाग संयोजक मनोज दुबे, महानगर अध्यक्ष डॉ. भोलेन्द्र पांडे, महानगर संयोजक अखिलेश झा, स्नेहलता झा, अविनाश मित्र, चंद्रभूषण ओझा व रवि
चिंतामणि शामिल रहे। मेरा नाम श्री देव पुजारी, मैं संस्कृत भारती का अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हूँ। इस राज्य का प्रवास होने के कारण यहाँ की शैक्षिक स्थितियों से अवगत हुआ। यहाँ जो परिवर्तन आवश्यक है उसी के बारे में आपके माध्यम से शासन तक बात पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। नई शिक्षा नीति देश में कई राज्यों में लागू हो चुकी है, यहाँ अभी उसकी सुगबुहाट नहीं है और इसलिए पहला आग्रह यह रहेगा कि नई शिक्षा नीति यहाँ इस राज्य में लागू हो जाए। नीचे से ऊपर की कक्षाओं की ओर बढ़ा जाता है तो इसलिए 3 वर्ष का बच्चा यह पढ़ाई के लिए आंगनवाड़ी में या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश कर ले, वहीं से ये नई शिक्षा नीति को लागू किया जाए। इस नीति के कारण आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा में होने वाला है, किंतु वो करने वाले शिक्षक ही हैं, इसलिए शिक्षकों का प्रशिक्षण ये पहला भाग है, अभी वो हिस्सा प्रारंभ नहीं हुआ है। जब तक शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होंगे तब तक ये लागू करना प्रत्यक्ष कक्षा में कठिन हो जाएगा। संस्कृत भारती का अधिकारी होने के कारण हमारा आग्रह रहेगा कि खेल खेल में भाषा पढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति में आग्रह किया गया है। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी और टाटा स्टील UISL की ओर से भोपाल मैदान में आयोजित 33वें फ्लावर शो का मंगलवार को समापन हो गया। इमेच्योर कैटेगरी में चंदन कुमार दलाल को ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब मिला, जबकि इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में XLRI चैंपियन बना। वहीं इमेच्योर कैटेगरी में मंजू भामरा क्वीन ऑफ द शो बनी। वहीं अभिजीत सिन्हा को किंग ऑफ द शो का खिताब दिया गया। इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में स्टील ट्रिप्स व्हील लिमिटेड को किंग ऑफ द शो और बेल्डी क्लब को क्वीन ऑफ द शो से नवाजा गया। सभी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि मुख्य वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि ISWP के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिजीत नानोटी ने शिल्ड देकर सम्मानित किया। फ्लावर लवर्स हैं जो प्रकृति से प्यार करते हैं, उनकी इस बार योगदान बहुत ज़्यादा रही है और हमारे फुटफॉल्स भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो उनके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। क्योंकि वो बोलते हैं ना, आप आए बाहर आए, जब तक आप देखने वाले नहीं होंगे तब तक हमारे यहाँ पे बाहर नहीं आएंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी हर साल ये फ्लावर शो अपने लिए नहीं पूरे सिटीजन्स के लिए करती है। और जैसे कि हमारे चीफ गेस्ट साहब ने कहा कि हम चाहेंगे कि इसकी जो महक है वो दूर अलग अलग प्रांतों तक जाए और अलग अलग प्रांतों से भी लोग हमारे यहाँ फ्लावर शो देखने के लिए। ट्यूब कंपनी स्थित हरिजन बस्ती में मुखी समाज द्वारा 31 जनवरी को क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुखी समाज के लोग शामिल होंगे। बर्मा माइंस मुखी समाज के संरक्षक महेश मुखी ने बताया कि समाज के पुराने खिलाड़ियों को लेकर जो कि टेनिस बॉल से खेलते थे, उन सभी खिलाड़ियों को लेकर एक टीम गठित की गई है। टीम में कुल 60 लोग हैं। 60 लोगों की टीम में होने पर अलग अलग कर 4 टीम बनाकर एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टेनिस बॉल से मैच खेला जाएगा। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में जिले के सभी मुखी समाज के खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसके अंतर्गत एक टीम में 15 सदस्य होंगे। प्रत्येक टीम में 15 सदस्यों के साथ 8 ओवर का मैच होगा। सभी 4 टीमों का ड्रेस कोड दिया गया है। जीतने वाले टीम को सम्मानजनक राशि के साथ ट्रॉफी भी दिया जाएगा। आज के प्रेस वार्ता में मुखी समाज के सागर मुखी, मुकेश मुखी, धर्म मुखी, सुरेश मुखी, संजय मुखी, बादल मुखी, देवराज मुखी एवं संस्था के संरक्षक महेश मुखी शामिल थे। आज बर्मा मेंस मुखी समाज क्लब प्रांगण में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में का मेन उद्देश्य जो विगत 4 वर्षों से लेजेंड क्रिकेट प्रतियोगिता मुखी समाज अंतर्गत खिलाड़ियों के बीच आयोजित किया जा रहा है, जिसका इस वर्ष 5वां वर्ष है। इस वर्ष हम लोग 3 प्लेट गणेश मैदान में आयोजित किया जा रहा है। आगामी 31 दिसंबर को प्रतियोगिता निर्धारित किया गया है और इस प्रतियोगिता में मुखी समाज के सभी लेजेंड क्रिकेटर इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। जो इस बार निर्णय लिया गया 40+ खिलाड़ी ही इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। और इस प्रतियोगिता का आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य समाज के जितने भी खिलाड़ी हैं, युवा साथी खिलाड़ी हैं,
वो क्रिकेट के प्रति जागरूकता और खेल की बढ़ावा देने के लिए और समाज में मुख्य धारा में जुड़ने के लिए इस प्रतियोगिता आयोजित किए जा रहे हैं। और इस वर्ष भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस प्रतियोगिता का आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और इस प्रतियोगिता में जो राशि जो प्राइज होंगे वो ट्रॉफी के साथ सम्मानजनक राशि दिया जाएगा और साथ ही साथ सभी खिलाड़ियों के लिए उत्तम भोजन का भी व्यवस्था किया गया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।